हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पर अभी तक ये शेयर हाई गया है 1235.75, लो गया है 1195.95 और अभी तक ये शेयर आपका आज के डेट पे गिरा है 0.39% और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹1213। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹34591.88 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹35029.34 करोड़ एंड पीई रेशियो है 28.99। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹538.20 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.05। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 3.33। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से लगभग तीन गुना ज्यादा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹47.87, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.37% एंड आरओसीई है 16.10%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 21.26% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 5.82%। ये जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, इस कंपनी में होमोडस का होल्डिंग है 58.86%, FII का होल्डिंग है 17.88%, DII का होल्डिंग है 12.93% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 10.33%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 58.86% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें ऑनली आपका 2.82% शेयर प्लेज है, जो कि मुझे उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं लगता। ओके, और एक चीज देखिए, मार्केट के 88% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका बाय सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड लास्ट दो साल से इस कंपनी ने आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपका फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशंस, इस कंपनी का पीटॉस की स्कोर है 7 out of 9, मतलब एक कंपनी आपका फाइनेंशियली एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशंस, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट पे भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका 4 अक्टूबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। तब से देखिए शेयर आपका ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 200 डेज, 50 डेज एंड 100 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक आपका क्रॉसओवर फॉर्म होने वाला है, और एक बार ये क्रॉसओवर अच्छी तरीके से फॉर्म हो गया तो शेयर का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी देखिए यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी देखिए 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका रुपीज 1,210-12, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका रुपीज 1,400 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर आप लोगों को ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।